तो मैं अभी उस लोकेशन में पहुंचा जहां से दिखता है फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, ये रहा सामने और हमें वहां पे बेस कैंप में पहुंचना है। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हैं दिखा कहां पे? सही में दिखा स्नो लेपर्ड, कहां था? अक्लोल जनता वेलकम टू सियाचिन बेस कैंप। मॉर्निंग बकलोल अंदर, वेलकम बैक टू बकलोल टीवी व्लॉग्स। सो सुबह के बजे इस वक्त 7 एंड हम सब हो चुके हैं रेडी, रात को पहुंच चुके थे हम देश के एंड अब आज फाइनली वो दिन आ गया कि जब हम सारे जो हैं सियाचिन बेस कैंप पहुंचने वाले हैं। बहुत मतलब दिनों से नींदें पूरी नहीं हुई हैं एंड बड़ी सारी चीज़ें कर करके यहाँ पे पहुँचे हैं, बट फाइनली सियाचिन बेस कैंप आज पहुँचेंगे। सो बहुत ही मतलब अलग लेवल की फीलिंग है, ऊपर से सुबह सुबह इन लद्दाख के पहाड़ों के बीच, तो वो एक वाइब जो है ना वो आ रही है दिल से। तो चलो फिलहाल करते हैं आज के दिन की शुरुआत भोले बाबा जी का नाम लेके, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नींद पूरी नहीं हुई? नींद हो गई पूरी, मैं वेट कर रही हूँ सारे आओ, मुझे भूख लगी। अब भूख लगी है? केले पेड़ ने खाओ। कितने खाऊं? दो तो खा लिए मैंने, वानर चाचे सही बात है, दो खा लिए मैंने, अब मैं वेट कर रही हूँ बाकी आए ताकि। चलो यार बाकी सबका वेट हो रहा है, वरुण भाई तो आ गए, मेरा और वरुण भाई का सही है। हम इतने मतलब पूरे ट्रिप के जो मोस्ट डिसेंट बच्चे है ना वो मैं और वरुण भाई है, ठीक है? हमने कुछ नहीं यार, कोई कर ही नहीं रहा, तारीफ खुद ही करनी पड़ेगी। आप तो करने रहे। सही बात है, आप करनी रहे तारीफ, हमें खुद करनी पड़ेगी। तो चलो ये भी ठीक है। तो फिलहाल यार अभी हम दोनों ने जाना है, बाइक हमारी पंचर हुई है, वो इतनी ज्यादा पंचर हुई है कि वो उसको पंचर नहीं लग रहा, तो उसको टायर को खोल के ट्यूबलेस को कुछ करना पड़ेगा। तो अभी हम दोनों निकलते हैं, पहले वो पंचर ठीक करवाते हैं। भाई हमारी गाड़ी का टायर पंचर, हमारी बाइक का टायर पंचर, और बड़ी मुश्किल से भी यहाँ पे एक लोकल भैया है। हेलो भैया कैसे हो? मैं ठीक, थैंक यू भैया, इनकी हेल्प लेके सुबह सुबह 7 बजे एक दुकान खुलवाई है हमने, और ये पंचर जो अभी ये लगवा रहे हैं, और अब ये लगेगा तो हमारी आज सियाचिन बेस कैंप तक की जर्नी कंप्लीट हो पाएगी, वरना गड़बड़ी लग रही थी मुझे। भाई इसका पंचर तो ठीक करवा दिया लेकिन ये अभी भी लीक कर रहा है, इसको ट्यूब लगवानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे रोड बड़ा खराब है, बट्टों की वजह से ना पूरा फट गया टायर, और ट्यूब यहाँ पे है नहीं, चक्कर बन गया गोल। अब समझ नहीं आ रहा क्या करना, और मेरी वाली बाइक ये तो इतना लीक कर रही ना हवा, इसको दो दो लगाए हुए तब भी नहीं ये ठीक हो रही, अभी तीसरी लगा रहे, इस बार हुई तो हुई नहीं तो मैं तो पंचर चला लूँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। है? अब होगी? टाइम पास हुआ है, मतलब कोई नहीं है, हवा निकल रही है, जाना पड़ेगा। तो अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, सारे कर रहे हैं यहाँ पे एंड फिर निकलते हैं यहाँ से। गाइस आज सियाचिन पहुंचना हमने। यस ये प्रीत मैडम, ये रिजवान। हाँ उसको खाली पूछ जाएगी वो। हाँ के भी मतलब ऋषि को निकल चुके हैं, सेकंड देते हैं उन्होंने चंदे माया। ओ भोले बाबा जी दर तेरे पे आया जी, छोली काली लाया जी, कर दो छोली कर दो के महादेवा। Oh,
भाई यासिन के लिए ये रास्ता मतलब मैं भी लाइफ में फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ एंड सीरियसली मतलब आज वो फील आ रहा है क्योंकि पता है कि आज हम सियाचिन बेस कैंप पहुँचने वाले हैं तो दिल में एक अलग ही मतलब जुनून सा है मैं वो लफ्जों में बयान नहीं कर सकता हर हर महादेव। तो भाई सियाचिन के रास्ते में एक वर्कशॉप पे रुके थे क्योंकि मेरा बाइक का पंचर तो की कब से खराब है खरदुंगला से ही खराब ही है पंचर ही है तो तब से ऐसे ही चला के लेके आ रहा हूँ और अभी भी ये पंचर ही है और वरुण भाई कह रहे थे कि तू रिकॉर्ड बना क्योंकि पंचर बाइक सियाचिन के बेस कैंप तक पहुंचाने की सही बात है तो ये अभी फिलहाल दुकान ये भी बंद है तो नंबर लिखा हुआ हमने कॉल किया कहते 2 घंटे में आएंगे 2 घंटे का वक्त हमारे पास है नहीं इसको भी थोड़ा सा लगी हुई है तो इसको पंचर लगवाना है लगा हुआ इसको 4 दिन तक तो ऐसे ही रहेगी तो जो मर्जी कर ले ठीक है तो थोड़ी थोड़ी दर्द रहेगी ये तो बेचारी है कहाँ मतलब नहीं नहीं यही रुकते हैं अपना फोटो शोटो खिंचाते हैं चलो रील शील बनाते हैं है ना तो यार इतना अच्छा लग रहा है ना मतलब आज वो मतलब रोज ट्रैवल कर रहे थे बट आज ना अलग फीलिंग है अभी पता है कि सियाचिन बेस कैंप हम टच डाउन करने वाले बहुत बड़ी बात है यार मजा आएगा तो अपना प्यार भी आप कमेंट में सपोर्ट में बता दो बाकी नाक बंद हो गया मेरा यार। सो गाइस सियाचिन की एंट्री पॉइंट पर पहुंचे हैं हम अभी एंड फाइनली सियाचिन एंटर करने वाले हैं यहाँ से आगे कुछ थोड़ा और रास्ता है बेस कैंप तक पहुंचने के लिए बट फाइनली वी आर हेयर एट सियाचिन हर हर महादेव जय हिंद। नेहा जी सियाचिन एंटर कर लिया हमने फिर है हैं दिखा कहाँ पे सही में दिखा स्नो लेपर्ड कहाँ था यार बता देते हम भी देखते हाँ सेम तो मैं अभी उस लोकेशन में पहुंचा जहां से दिखता है फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ सियाचिन ग्लेशियर ये रहा सामने और हमें वहां पे बेस कैंप में पहुंचना है बस 5 किलोमीटर रह गया लेट्स गो भाई सामने सियाचिन ग्लेशियर दिख रहा है मैं बाइक राइड कर रहा हूं टुवर्ड्स सियाचिन ग्लेशियर मतलब ये जो फीलिंग है ना मैं आप सबको नहीं समझा पाऊंगा कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है इस मोमेंट पे नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन आप तब तक कमेंट सेक्शन में लिख दो जय हिंद। बकलोल जनता वेलकम टू सियाचिन बेस कैंप एक्सपीडिशन आज हम लोग सियाचिन पहुंच चुके हैं हमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है जम्मू से सियाचिन तक की यात्रा सफल हुई जिसमें सारी महिलाएं अपने अपने मोटरसाइकिल पे भारत माता के वो सपूत जिन्होंने सोजिला में करगिल में सियाचिन में जान दी थी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर पाई है ये सबसे बड़ी विक्ट्री है और भारत माता के लिए ये ट्रिब्यूट है भारत माता के वो सिपाहियों के लिए वो सेना वालों के लिए सेना के परिवारों के लिए ये श्रद्धांजलि है भारत की बेटी ने कर दिखाया है आने वाले समय पे भी भारत की बेटी भारत के सेना के साथ खड़ी है जय हिंद जय हिंद। तो भाई सियाचिन से वापस आते हुए हो चुके थे हम लेट तो रात के 8 बजे और हमने यहीं पर अब जगह का नाम भूल गया अंदर जाके बताता हूँ आपको क्या था जगह का नाम तो हम यहाँ पर हमने रूम्स लिए और यहीं पर रुके हैं तो आज का स्टे हमारा यहीं पे होगा भाई जगह का नाम क्या था जगह का नाम यहाँ पैनामिक नॉट पैंडेमिक गाइज पैनामिक तो पैनामिक में रुक रहे हैं हम और आज
का स्टे हमारा यहीं पे होगा, कल पैनामिक्स निकलेंगे हम लेह की तरफ, और कल का सफ़र थोड़ा लंबा है तो जल्दी उठने की कोशिश करेंगे। बट ये वाला व्लॉग फिलहाल आज का बहुत अच्छा था, दिन बहुत अच्छा था। सियाचिन बेस कैंप लाइफ में फर्स्ट टाइम, मतलब वो सियाचिन वाले पहाड़ को देख कर ना कुछ तो ऐसी फीलिंग आ रही थी जो मैं बता नहीं सकता आपको, है ना। देशभक्ति वाली यार ऐसी फील आती कि एक्सप्रेस नहीं हो पाती भाई। वो वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है जहाँ पे हमारे शहीदों ने शहादत दी है, वही तो यार। तो वहाँ पे तो देखते ही ना, मतलब दिल में ऐसे कुछ तो होता है यार, जो हिस्सा आता है यार। तो बहुत मजा आया आज, उम्मीद करता हूँ कि आपको व्लॉग के जरिए घर बैठे बैठे वो चीज़ फील करने का मौका मिला। बट चलो फिलहाल अब हमने करना डिनर वगैरह और सो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखर, बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।